हेलो बच्चों, मैं अभिनव आपका सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखो, हमने अभी तक पढ़ लिया था कि एक सीधे धारावाही चालक के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सीधे हम पढ़ा स्ट्रेट के अंदर, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, कुंडली नुमा। ये क्या है, एक चालक है, ठीक है, चालक तार जैसे है। देखो, एक रिंग बन रहा है ना, कुंडली बन रही है, रिंग बन रहा है, कुंडली बन रही है, ठीक है ना। जैसे पानी गर्म करने वाली रोड होती है, उसकी एक कुंडली ले ली मैंने, ठीक है, कुंडली। देखो, विद्युत धारावाही मिलता का पास, पास का मतलब क्या है, गोल लूप, ठीक है ना। ये क्या है, पास है करेगा, यानी कि कुंडली वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, इसको समझने से पहले कल मैंने आपको चीज समझाई थी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि इसमें क्या करूंगा, तो दाया हाथ है ना, ये से मान लो ये कोई चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, मैंने एक्सप्रेस कर लिया, मेरा अंगूठा नीचे की तरफ क्या करेगा, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है, विद्युत धारा इधर जा रही है, और मेरी उंगलियां गोल गोल क्या करेगी, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था उसको सौंप रही, ठीक है ना। देखो, ये भी कुछ इस तरीके से है ना, देखो इस तरीके से ना, ये चाहे इधर पे रख लो या इसे रख लो, अब क्या होगा, धारा की दिशा ये है और उसके चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ठीक है ना। यहाँ से विद्युत धारा जा रही है। देखो, मान लो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, इसका ऊपर वाला पास वाला, तो देखो चालक तार के पास वाले क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवण थी ना, स्ट्रॉन्ग थी। देखो, इस पॉइंट पर विद्युत धारा प्रवाहित हुई, उसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखो, ये पास वाला है ना उसके पॉइंट, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा, और इससे थोड़ा सा दूर आने पर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा कमजोर होगा, तो क्या जो संकेतिक वृत्त है ना, यानी सर्कल, वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। फिर क्या होगा, ये वाला पॉइंट है इससे ज्यादा दूर है ना, यहाँ पर ये वाला सर्कल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब देखो, जैसे हम इस पॉइंट से दूर आएंगे तो क्या होगा, ये सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, बन तो रहा है सर्कल एक तरह का, लेकिन क्या होगा, उससे दूर जाने पर इसका क्या जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र का साइज बढ़ जाएगा। इस पॉइंट से हम बिल्कुल दूर चले गए तो क्या होगा, सर्कल बड़ा हो, सर्कल बड़ा होता है ना, कुछ इस तरह का लग रहा है। अब देखो, इस पॉइंट से बिल्कुल दूर चले गए, बिल्कुल मिडल के अंदर आ गए, सेंटर के अंदर, ठीक है, वृत्त के केंद्र के अंदर। अब देखो, ये क्या होगा, इस पॉइंट से बहुत दूर है ना, अगर चालक तार से दूर जाने पर क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती थी, ठीक है, वो क्या होता, कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होने का कारण क्या है, ये एक सीधी रेखा जैसा दिखेगा हमको, ठीक है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये वही बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो क्या होता है, चालक के बिल्कुल पास में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तभी क्या होगा, सर्कल बहुत बढ़िया बनेगा और साइड में कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, और दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सर्कल का साइज है ना बहुत बड़ा होगा, और बीच में क्या होगा, बिल्कुल एक सीधी रेखा जैसा प्रतीत होगा हमको। अब देखो, मैंने एक पॉइंट ले लिया था, तो एक पॉइंट आप ये ले लो। देखो, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पास में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, दूर जाने पर थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, कमजोर हो जाएगा। तो सर्कल है ना, सर्कल के विपरीत ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। फिर यहाँ से दूर जाने पर क्या होगा, दूर जाने पर इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो, इस पॉइंट से मैं जहाँ चला गया, बनेगा तो एक सर्कल ही ऐसे आके, लेकिन इसका साइज बड़ा होगा ना, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करो, इस पॉइंट के अंदर देखो, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है, ये है, ये है, बी, तो ये क्या हो गया, एक व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, यानी कि अनुक्रमानुपाती। देखो, जैसे मैं ए का मान बढ़ाऊंगा, बी का घटेगा, अगर बी का बढ़ाऊंगा तो ए का घटेगा, ये मतलब होता है, ठीक है, व्युत्क्रम का। देखो, जैसे मैं क्या करता था, दूरी बढ़ाता था, इस पॉइंट से दूरी बढ़ाता था ना, तो क्या होता था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता था,
घट जाता था और सर्कल में साइज क्या होता बड़ा हो जाता था। ठीक है, देखो पास, पास को बोलते हैं लूप। ठीक है, पास को एक जगह सर्कल बोलते हैं। पास लूप के पास, पास के पास सेकेंडरी वृत्त का साइज छोटा वह दूर जाने पर बड़ा होता जाता है ना। ये क्या एक लूप है, चुंबकीय धारा भाई। ठीक है, देखो इसके पास जो वृत्त है ना इसका साइज बड़ा छोटा होगा और इससे दूर जाने पर साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी वृत्त का वो लिखा हुआ है, तथा पास के केंद्र पर जाने पर वृत्ताकार चाप सीधी रेखा जैसे प्रतीत होते हैं। देखो पास से दूर जाने पर जो सेकेंडरी वृत्त है ना वो एक सर्कल ना होता, वो एक सीधी रेखा जैसा प्रतीत होगा। दिख रहा है ना, यही इसके अंदर। अब देखो अगर मैं इस कुंडली की संख्या बढ़ा दूं, ये एक कुंडली है ना, अगर मैं इसको ऐसा ना करता हुआ ऐसा बढ़ा दूं, कई सारी कुंडलियां बढ़ा दूं, कुंडली की संख्या कितनी है, एन। एन क्या है, कुंडलियों की संख्या। मान लो यहां पे 10 कुंडलियां हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका मान भी 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे एक कुंडल मिलता है हमको। अगर मैं कुंडली की संख्या बढ़ा दूं, एन कर दूं, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना बढ़ जाएगा, एन गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अगला टॉपिक करेंगे इसके बाद। देखो बच्चों, परिनली का ये क्या था, एक कुंडली। ठीक है, पहले ये पहले बढ़ा ना इस टॉपिक से पहले कुंडली थी, और मैंने क्या किया, ये क्या करके एक कुंडली और बना दी, एक और बना दी, एक और बना दी, तो ये क्या है, कितनी कुंडली होगी, एन एन फेरो की बनी एक नली का, वो क्या बोलते हैं, परिनली का। पानी गर्म करने वाली रोड, ये वही है इस तरह से। अब देखो मैंने क्या किया, ये क्या जी, जहां से एक कुंडली होगी फिर दूसरी कुंडली होगी तीसरी होगी, ये एन कुंडली संख्या से बनी नलिका को क्या बोलते हैं, परिनली का। ये क्या है, जहां से लेके जहां तक एक परिनली का है। अब देखो इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे क्या किया मैंने, तांबे की मतलब एक त्रिपथ बना दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे एक की लगा दी। ठीक है, इस पॉइंट पर जहां से जैसे मैं की ऑन करूंगा विद्युत धारा प्रभावित होगी, माइनस से प्लस की तरफ जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा जहां से जाती हुई इस परिनली का केंद्र से होती हुई वापिस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग तब पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा परिनली का, इसका कौन सा पॉइंट है, साउथ पॉइंट, साउथ पोल ठीक है, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। देखो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता था, क्षेत्र रेखा है, वो कहां से बाहर निकलती थी, नॉर्थ से बाहर निकलती थी और साउथ से एंटर करती थी। पढ़ा था ये चुंबक था, साउथ पोल था ये नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होती थी, ऐसे होती थी ना, साउथ से एंटर करती थी और नॉर्थ से बाहर निकलती थी। ठीक है, तो ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब देखो जैसे इससे पहले हमने एक कुंडली के अंदर पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें एक बात मैं करूं, पहला पोजिशन परिनली का से दूर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, क्या होता है, कुंडल होता है। पढ़ा था ना, अगर कुंडली से दूर जाएंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो केंद्रीय वृत्त है वो बड़ा हो जाएगा और क्या जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ऐसी बात है, उसकी बात क्या है,
परी नदी का है ना, परी नदी का, परी नदी का के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा, तरबर 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 होगा, वो जो चुंबकीय रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होगी, बिल्कुल क्या है, सीधी प्रतीत होगी अंदर से, सीधी प्रतीत होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, मतलब समांतर जाके सीधी प्रतीत होगी, सीधी है ना, और कहां से कहां तक जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, परिनदी का अंदर, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट देखो, जो ये परिनदी का है ना, इसका उपयोग कहां किया जाता है, परिनदी का उपयोग देखो, मान लो ये कोई है नरम लोहे की क्या है, नरम लोहे का क्या है टुकड़ा है, नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा, इसको मैं बोलूंगा इसके अंदर डाल दूंगा, जैसे नरम लोहे का कोई टुकड़ा है, इसको क्या किया मैंने, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये किसके संपर्क में आ गया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आ गया ना, तो कई देर बाद क्या होगा, इसको बाहर निकाल दिया, तो अब ये कैसा व्यवहार करेगा, खुद चुंबक जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, जैसे होता है ना हम किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो खुद चुंबक जैसा व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है ना। परिनदी का उपयोग क्या किया जाता है, नरम लोहे के टुकड़े को विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये होकर थोड़ा क्या बन गया, खुद एक विद्युत चुंबक बन गया, विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, परिनदी का है, इसके अंदर मैंने क्या किया, लोहे का जब स्टील का टुकड़ा डाल दिया और क्या कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, इसके चारों तरफ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा क्या करेगी, इस लोहे के टुकड़े को खुद चुंबक बना देगी, ठीक है ना। ये चीज का मतलब कुछ, और चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट कर लो क्या रहेगा इसमें, चौथा पॉइंट ये कर लो कि ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, तो वो जो परिनदी का है, परिनदी का, परिनदी का के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है, बस इतना याद रखोगे। वो क्या था, एक इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, सिर्फ एक कुंडली पड़ी थी, कुंडली के लो, बाप के लो, रूप के लो, एक में प्रवेश था, ठीक है। अगर हम एक कुंडली की संख्या बढ़ा देंगे, यानी एन संख्या बढ़ा देंगे, तो क्या बन जाएगा, परिनदी का बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका ही विस्तृत रूप है आगे, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, ये और ये सेम ही है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, बस एक लोहे का टुकड़ा अंदर डाल दिया था उसके, ठीक है, क्या किया था, लोहे का टुकड़ा अंदर डाल दिया था, फिर लोहे का टुकड़ा क्या बढ़ गया था, एक विद्युत चुंबक बढ़ गया था, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक, ठीक है। बाकी क्या हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और जो आपको समझ नहीं आ रहा उसको कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ठीक है।